हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को अगर कोई कितना भी रटने का कोशिश करेगा वो नहीं रट पाएगा। इसके बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस एक बार इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बाकी पूरा मॉनसून आपका फॉर लाइफ टाइम आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून। इससे पहले हम ये जानना जरूरी है कि मॉनसून विंड्स क्या होती है। तो मॉनसून विंड्स वो होती है ना कि जो कंप्लीट रिवर्सल शो करती है इन द डायरेक्शन विद द चेंज इन सीजंस। मतलब समर है तो कुछ और डायरेक्शन होगा, विंटर्स है तो कुछ और डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन एकदम रिवर्स हो जाता है। तो इसी को बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट है दैट इज मोस्टली अफेक्टेड बाय दीज मॉनसून विंड्स। जैसे कि हम देखते हैं जो इंडिया का एग्रीकल्चर है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस पे, और ऑलमोस्ट 64% 64 to 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर ओनली। इसके थ्रू इंडियन मॉनसून विंड्स के थ्रू ही क्या कहते हैं, कैसे ड्रॉट्स आते हैं, कैसे फ्लड्स वगैरह आते हैं, कैसे एग्रीकल्चर वगैरह इफेक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी इसी से रिलेटेड बेसिकली ये सारी थ्योरीज हैं जो कि जैसे है क्लासिकल थ्योरी जो कि हम आज पढ़ेंगे। क्लासिकल थ्योरी में आता है समर मॉनसून विंटर मॉनसून, ये बहुत ट्रेडिशनल है, मतलब बहुत एंशियंट टाइम पे यूज करी जाती थी ये थ्योरी। फिर जो आज की थ्योरीज है दो आर मॉडर्न थ्योरीज, और मॉडर्न थ्योरीज में जैसे एयर मास थ्योरी हो गई इन विद रिस्पेक्ट टू ITCZ, और जेट स्ट्रीम थ्योरी हो गई, सदर्न ऑसिलेशंस हो गए, और इंडियन ओशन डाइपोल हो गया। तो ये सब बेसिकली हम क्रोनोलॉजिकली डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल थ्योरी से। क्लासिकल थ्योरी में आता सबसे पहले समर मॉनसून। तो क्लासिकल थ्योरी या फिर ट्रेडिशनल थ्योरी ये वो थ्योरीज है जो बहुत पहले प्रोपाउंड करी गई थी, और इसका क्रेडिट जाता है सर एडमंड हेली को। अराउंड 1680 इन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड करी थी, और ये इन्होंने ये कहा था कि क्या कहते हैं जो विंड्स ट्रेवल करती है वो मॉनसून विंड्स जो ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है ड्यू टू द कंट्रास्ट हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। मतलब सी और लैंड अलग अलग तरीके से हीट होती है, तो इस वजह से जो विंड का डायरेक्शन है वो ट्रेवल करता है, वो चेंज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समर मॉनसून से। तो समर मॉनसून में क्या होता है ना, ड्यूरिंग समर्स जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख सकते हो यहाँ पे अराउंड 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एकदम शाइन करता है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे जो ये वाला रीजन होता है ये हीटअप हो जाता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जो इक्वेटर है इक्वेटर पे और इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फेयर पे वहां पे सन होता नहीं है, वहां पे विंटर्स होती हैं इक्वेटर से नीचे, तो वहां पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, और इक्वेटर पे भी हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है मूव करती है, तो इसीलिए क्या कहते हैं विंड का डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स लैंडमार्क, और लैंडमार्क नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है एशिया, टूवर्ड्स एशिया साउथ से एशिया की तरफ मूव करती है। तो ये बेसिकली समर्स में अकर करता है, और यही विंड जो होती है यहाँ से मॉइस्चर लेके जाती है इंडियन ओशन से, और क्या कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, और क्या कहते हैं आप नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया पे यहाँ पे रेनफॉल देती है। तो ये तो बेसिकली थ्योरी हो गई समर मॉनसून की। अब देखते हैं विंटर मॉनसून में क्या होता है। तो अब इसी का ही बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है विंटर मॉनसून के टाइम पे। विंटर मॉनसून में सन जो होता है वो डायरेक्टली शाइन करता है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मतलब 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। तो ये वाला जो रीजन होता है ना ये बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है इसके कंपैरिजन इक्वेटर पे हाई प्रेशर हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां पे विंटर चल रही होती है इस समय पे, बहुत लो टेम्परेचर होता है तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तब विंड। तो विंड क्या होती है ना, जो लैंडमार्क होता है वहां से ऑफशोर हो जाती है, लैंडमार्क से सी की तरफ मूव करने लग जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे रेनफॉल देती है, मतलब काफी सारे रीजन है यहाँ पे, और इंडोनेशिया वगैरह यहाँ पे रेनफॉल देती है। तो बेसिकली ये जो थे ये क्लासिकल थ्योरीज हैं। क्लासिकल थ्योरीज काफी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, जैसे मतलब जो रेनफॉल है वो कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ड्रॉट्स आते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाती। ये बस डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड और वाटर के ऊपर बेस्ड है, कॉन्ट्रास्ट के ऊपर बेस्ड है। ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है ये सब थ्योरी। अब हम देखते हैं आगे मॉडर्न थ्योरीज। तो मॉडर्न थ्योरीज में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो पहली थ्योरी है दैट इज एयर मास थ्योरी। एयर मास थ्योरी क्या होती है ना कि जो ये एक ITCZ क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स कहाँ चलते हैं, जनरली बिटवीन द ट्रॉपिक्स,
बिटवीन द ट्रॉपिक्स चलती हैं, ठीक है। तो इक्वेटर के अराउंड ना ये क्या कहते हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। जब सन जो है डायरेक्टली इक्वेटर पे शाइन कर रहा होता है तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न डायरेक्शन और सदर्न डायरेक्शन, ये एक जगह पे आके मिलती है और उसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो ITCZ। तो ये जो ITCZ है ना, ये भी इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स प्लेस, सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी प्लेस चेंज करती रहती है। ये बेसिकली ऐसी ये एक ऐसी लोकेशन होती है अराउंड द अर्थ जहां पे क्या कहते हैं बहुत रेनफॉल होती है, एयर जो है असेंड करती है, एयर राइज करती है, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन होती है ITCZ के अराउंड। तो जो सन क्या कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में शाइन करता है ना, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शाइन करता है तो क्या कहते हैं ये जो लो प्रेशर जोन है, ये वाली जो बेल्ट जो इक्वेटर पे जनरली रहती है, ये शिफ्ट हो जाती है वहां पे क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड। तो क्या कहते हैं ITCZ भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि और क्या कहते हैं फिर क्या होता है ना, जो ये वाली रीजन होती है ये बन जाती है ITCZ जोन। फिर क्या होता है जो ये क्या कहते हैं जो नीचे से आ रही होती है ट्रेड विंड्स फ्रॉम 23.5 डिग्री साउथ से, वो क्या कहते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट करती है इन द सदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के नीचे तक, तो उनका डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट होता है जैसी वो इक्वेटर को क्रॉस करती है, इक्वेटर को क्रॉस करती है उनका डायरेक्शन राइट हैंड साइड को टर्न कर जाता है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करती है विंड का डायरेक्शन को। तो फिर यहाँ पे जाते ही ये साउथ वेस्ट हो जाती है, तो यही साउथ वेस्ट विंड्स जो होती हैं यही जो है इंडिया में समर मॉनसून लेके आती है, ठीक है। यहाँ से इंडियन ओशियन से मॉइस्चर लेके जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से टकराती है और दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है, वन इज अरेबियन सी ब्रांच एंड द अदर बिकम्स बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी यहाँ पे म्यांमार के अराउंड एक माउंटेन रेंज है अराकन यूमा जिसको कहते हैं, अराकन यूमा से फिर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया की तरफ टर्न हो जाती है और अरेबियन सी ब्रांच तो क्या कहते हैं जो वेस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट के अंदर से ही निकल के वो भी काफी सारी ब्रांचेस में टूट जाती है। एक जो सौराष्ट्र से निकलती है, मुंबई से निकलती है, एक क्या कहते हैं इधर से निकलती है जो ये है नीलगिरी हिल्स वाला जो पड़क्कन गैप है उस गैप से निकल के वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या कहते हैं रेनफॉल देती है सदर्न पेनिनसुला में। और क्या कहते हैं जो ये वाली रीजन है यहाँ पे फिर ये हिमालय से कोइंसाइड करके ये नॉर्दर्न प्लेन्स में जाके बेसिकली बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच आके नॉर्दर्न जो गैंगेटिक प्लेन्स है वहां पे आके मिल जाती है। तो यहाँ पे ये सारी रेनफॉल वगैरह देती है और ये वाली जो ITCZ है ये कैसे क्रिएट होती है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही होती है ऊपर से ये आके मिलती है, नीचे से जो साउथ ईस्ट फिर साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स होती है इनके कोलिजन से आके यहाँ पे जो ITCZ होता है वो क्रिएट हो जाता है यहाँ पे अराउंड 23.5 डिग्री और अराउंड 30 डिग्री के आसपास ही क्रिएट हो जाता है ITCZ। ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है ITCZ, इट कीप्स ऑन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जितना ज्यादा लैंड होगा उतना जितना ज्यादा लैंड और वाटर कंट्रास्ट होगा उतनी ज्यादा इरेगुलर ITCZ हमारी क्रिएट होगी। अब ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस कब क्रिएट होती है, जब क्या कहते हैं सन जो होता है सदर्न हेमिस्फीयर में शाइन करता है, मतलब जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे शाइन कर रहा होता है, तो यही जो कंडीशन है एकदम रिवर्स हो जाती है। और जो समर्स में हमारी जो विंड्स होती है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जो कि ऑनशोर होती है, ऑनशोर मतलब समुद्र से लैंड की तरफ जारी होती है, ठीक है, उनका डायरेक्शन क्या होता है ना जब सन नीचे आ जाता है तो उनका डायरेक्शन भी कंप्लीट रिवर्स हो जाता है और ये आगे पूरे क्या कहते हैं जो ITCZ होती है वो यहाँ पे इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अराउंड क्रिएट हो जाती है ITCZ। तो वहां पे क्या कहते हैं वहां पे फिर नीचे से जो ये वाली जो होती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पे आके कोलाइड करती है, यहाँ पे आके कोइंसाइड करती है, यहाँ पे आके ITCZ क्रिएट होता है और सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन इनका रिवर्स हो जाता है बेसिकली डायरेक्शन, ठीक है। तो यही है एयर मास थ्योरी। अब आगे देखते हैं दूसरी थ्योरी, तो अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम थ्योरी की। तो जेट स्ट्रीम थ्योरी क्या होती है, ये बेसिकली जेट स्ट्रीम्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जेट स्ट्रीम्स होती है दो तरह की, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स बेसिकली लाया करती है 25-40 डिग्री नॉर्थ और पोलर जेट स्ट्रीम्स लाया करती है बेसिकली बियॉन्ड 60 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये जो इंडियन मॉनसून पे जो फर्क डालती है वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होती है। तो बेसिकली जेट स्ट्रीम्स होती क्या है, जेट स्ट्रीम्स वो
एक विंड्स होती हैं जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे लाया करती हैं, मतलब अराउंड ट्रोपोपॉज के आसपास। और क्या कहते हैं, जो जो लैंड फीचर्स होते हैं ना, जो जो टोपोग्राफी होती है, जो लैंड फीचर्स होते हैं, उनके उससे इन्फ्लुएंस से बाहर रहती है ये बेसिकली। तो बेसिकली डिस्कस करते हैं विंटर्स के टाइम पे। विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, जब सन शाइन कर रहा होता है 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो उस समय ये विंड्स चल रही होती है अराउंड 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास, 25-30 डिग्री नॉर्थ के आसपास ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चल रही होती है यहाँ पे। तो इनको क्या होता है, ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे चलती है, अराउंड 12-15-30 किलोमीटर के अराउंड ये चलती है। तो यहाँ पे आके इनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं क्या, हिमालयस और तिब्बतन प्लेटू। तो ये दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है, एक पार्ट जो सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयस होते हैं, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इस तरफ निकल जाती है और एक प्लेटू ऑफ तिब्बत के ऊपर से निकलती है। ठीक है, ये आके कन्वर्ट हो जाती है ईस्टर्न चाइना में, बिल्कुल वहां पे आके कन्वर्ट हो जाती है दोबारा से। तो फिर इसका बेसिकली रोल क्या होता है इंडियन मानसून में, जो ये सदर्न ब्रांच है ना, सदर्न ब्रांच ये बेसिकली टर्न कर जाती है यहाँ से इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्रेड विंड्स हैं जो उस समय रिट्रेटिंग कर रही होती है, रिट्रेटिंग मॉनसून होता है उस समय पे, तो उसके साथ एड अप हो जाती है, वहां पे जाके सबसाइड कर जाती है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स होती है ना, उसकी जो रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है उसको बढ़ा देती है ये। तो ये बेसिकली रेनफॉल देती है सोमालियन प्लेटू, सोमालियन रीजन हो गया, मेडागास्कर रीजन हो गया, तो यहाँ पे ये रेनफॉल बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अब इसी का एक इन्फ्लुएंस होता है, मतलब ऑनसेट ऑफ समर मॉनसून, मतलब जब समर मॉनसून होती है, जब समर आता है इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो उसका जो ऑनसेट होता है ना मॉनसून विंड्स का, वो बहुत जल्दी हो जाता है इनकी वजह से। अब वो देखते हैं, तो समर मॉनसून का मतलब साउथ वेस्ट जो मॉनसून विंड्स है उनका जो ऑनसेट होता है इंडिया में, मतलब इंडिया में रेनफॉल जो समर मॉनसून विंड्स है उनका ऑनसेट होता है वो अराउंड जून स्टार्टिंग में हो जाता है। तो बेसिकली ये कैसे ट्रिगर होता है, ये ट्रिगर होता है साउथ जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है उनकी वजह से। मतलब हमने विंटर्स में देखा था, विंटर्स में दो पार्ट में बाइफरकेट हो गई थी, अब समर्स में क्या होता है ना, समर्स में ये होता है जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करने लग जाती है, क्योंकि जो पोलर जेट स्ट्रीम्स होती है वो बहुत वीक पड़ जाती है, तो ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट करने लग जाती है। और जो सदर्न ब्रांच होती है जो हिमालय के सदर्न पार्ट में ब्लो कर रही होती है, वो भी अराउंड तिब्बत के अराउंड और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय वहां पे ब्लो करने लग जाती है, मतलब उसका नॉर्दर्न इंडियन जो प्लेन्स है उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में शिफ्ट करती है, तो उससे क्या होता है ना, ये साउथ वेस्ट जो मॉनसून विंड्स आ रही होती है नीचे से, उसको एक ड्रैग मिलता है, ड्रैग मतलब पुल मिलता है उसको एक तरह से। तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इंडिया की तरफ आ रही होती है वो और तेजी से आ जाती है, मतलब जो ऑनसेट होता है वो और जल्दी हो जाता है। तो आजकल हम देख रहे हैं जो जेट स्ट्रीम्स है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहा है इंडियन मॉनसून पे, इंडियन मॉनसून काफी जल्दी आ जा रही है और काफी जल्दी रिट्रीट भी हो जा रही है। ठीक है, तो ये सब इन्फ्लुएंस हो रहा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स की वजह से। अब इसी जेट स्ट्रीम थ्योरी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है प्लेटो ऑफ तिब्बत। तो प्लेटो ऑफ तिब्बत की हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4000 मीटर्स है, इसका जो इंसोलेशन है वो 2-3 डिग्री हाई होता है अराउंडिंग सराउंडिंग एरिया से। तो ये क्या होता है ना, समर्स में बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, समर्स में हीटअप हो जाता है। और समर्स में क्या कहते हैं, हम देखते हैं ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो चुकी है। और जो इसी दौरान एक और जेट स्ट्रीम नीचे डेवलप होती है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसको हम तेज भी कह सकते हैं, सॉरी जे हो गए, जिसको हम तेज भी कहते हैं। तो बेसिकली जो तेज विंड्स होती है ना, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है, ये जो होती है ये इन्फ्लुएंस होती है जो तिब्बतन रीजन हीटअप हो जाता है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ ये जो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है जो इसको भी इन्फ्लुएंस करती है और इसको अपने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बेंड कर देती है। तो समर्स के टाइम पे हम देखते हैं जो सब जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो तो ऑनशोर होती है, बट क्या कहते हैं उस पर इन्फ्लुएंस देखा जाता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का। और वो क्या कहते हैं, उसका जो ऑनसेट होता है ना, जो समर मानसून का ऑनसेट होता है उसको और ज्यादा ट्रिगर कर देता है। तो ये रोल प्ले करता है प्लेटो ऑफ तिब्बत। प्लेटो ऑफ तिब्बत देखा जाए तो इंडियन मानसून में आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब वहां पे अगर क्या कहते हैं ज्यादा इंसुलेशन होगी, ज्यादा गर्म होगा जिस समर्स में, तो उस समर्स में क्या कहते हैं ऑनसेट जो होगा सब मानसून का, समर मानसून का, वो बहुत जल्दी होगा
और जिस साल हम देखेंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है तिब्बत रीजन में, प्लेटो ऑफ तिब्बत में, और क्या कहते हैं इंसुलेशन जो है वो कम हुआ है, वहां पे कम गर्मी पड़ी है, तो क्या कहते हैं उस समय हम देखेंगे जो मानसून होगा वो बहुत कम होगा, बहुत स्कैंटी होगा, और क्या कहते हैं बहुत ही लेट आएगा मानसून। तो ये है बेसिकली जेट स्ट्रीम थ्योरी। अब डिस्कस करते हैं हमारी थर्ड थ्योरी, थर्ड मॉडर्न थ्योरी जिसको जो इन्फ्लुएंस करती है इंडियन मानसून को, वो है सदर ऑसिलेशन। और सदर ऑसिलेशन को कौन इन्फ्लुएंस करता है? एल नीनो और ला नीना इफेक्ट, आपने पढ़ा होगा एल नीनो और ला नीना इफेक्ट। तो उसके पहले हम नॉर्मल कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली नॉर्मल कंडीशन कैसी होती है सदर हेमिस्फीयर में। तो ये ज्योग्राफी एक बार देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल मैप है, ये इंडिया है, उसके साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न डायरेक्शन में हम लाया करता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो वेस्टर्न कोस्ट होता है ना, जो पेरू हो गया, चिले हो गया, ये सारा जो कोस्ट होता है, तो इसमें बेसिकली प्रिवेलेंट होती है ड्यूरिंग समर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर कौन सी विंड्स? ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स बहुत तेजी से मूव करती है और जो यहाँ पे और जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे ऑफशोर हो जाती है। तो ऑफशोर होते हुए क्या करती है, वो जो सरफेस से लगा हुआ वाटर होता है उसको ड्रैग करती है, उसको हटाती है वहां से, ठीक है। तो जो ट्रेड विंड्स होती है बहुत तेज से मूव करती है, वाटर को हटाती है सरफेस वाले वाटर को, और वहां पे क्या होता है ना, नीचे से अपवेल होता है, क्या कहते हैं वो कोल्ड करंट, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड करंट होता है। तो ये वाली रीजन बेसिकली कोल्ड हो जाती है और यहां से फिर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो यहां से जब ट्रेड विंड्स मूव करती है वहां पे धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करता है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं हम, वहां पे बहुत वार्म टेम्परेचर हो जाता है और यहाँ पे रेनफॉल वगैरह आकर करती है, ठीक है। तो ये हो जाता है एक सर्कुलेशन ऑफ विंड बन जाता है, इसको कहते हैं वॉकर सेल, वॉकर सर्कुलेशन, 3D सर्कुलेशन एक बन जाता है यहाँ पे एयर का फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब यही कंडीशन 6-7 साल में एबनॉर्मल कंडीशन में बदल जाती है जिसको एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। अब एल नीनो इफेक्ट में डिस्कस करते हैं, अब उसके बारे में बताता हूं। तो एल नीनो बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या कहते हैं ट्रेड विंड्स जो यहाँ से ब्लो कर रही होती है, जिसकी वजह से अपवेलिंग ऑफ कोल्ड करंट होता है वो बहुत वीक पड़ जाता है, क्योंकि ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर 6-7 साल में क्या कहते हैं यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो राइज कर जाता है, और क्या कहते हैं यहाँ पे कोल्ड करंट अपवेल नहीं हो पाता है, तो ये वाला जो रीजन होता है ये वार्म रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ट्रेड विंड जा रही होती है बहुत वीक होती है, और यहाँ पे क्या कहते हैं ये वाले रीजन में हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, और ये पेरू वाले रीजन में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो जो ये वॉकर सेल हमने पढ़ा था वॉकर सर्कुलेशन, तो वॉकर सर्कुलेशन रिवर्स हो जाता है उससे, और उससे क्या कहते हैं विंड जो है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कोस्ट टू साउथ अमेरिकन कोस्ट बहने लग जाती है, और क्या कहते हैं इससे क्या होता है यहाँ पे बहुत ड्राई कंडीशन हो जाती है, और यही जो रिवर्स सर्कुलेशन ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट होता है, यही क्या कहते हैं जो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में जाती है ना, मानसून जो बनाती है वहां पे, जो रेनफॉल कराती है वहां पे, उसको भी थोड़ा बहुत इसको इसका इफेक्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि इसका जो ये जो है ये इसको इसके डायरेक्शन को भी थोड़ा बहुत इसकी तरफ मोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है एल नीनो के टाइम पे इंडिया में क्या कहते हैं बहुत कम रेनफॉल होती है, और ये वाला ऑस्ट्रेलिया का ये वाला रीजन तो बहुत ऑलमोस्ट ड्राई रहता है, ड्रॉट्स आते हैं यहाँ पे, और इंडोनेशिया वाले रीजन में यहाँ पे भी ड्रॉट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। और इसी का एक ऑपोजिट होता है ला नीना। तो जो नॉर्मल कंडीशन हमने डिस्कस करी थी ना, जब वो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाए, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कोल्ड करंट अपवेल हो जाए, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल आके दे, मतलब जो वॉकर सर्कुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाए, ट्रेड विंड्स बहुत इंटेंस हो जाए, तो क्या कहते हैं उस कंडीशन को कहते हैं ला नीना। उसमें क्या कहते हैं विंड्स जो है और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को और ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करेगी और इंडिया में और ज्यादा रेनफॉल होगी। तो ला नीना मींस मोर रेनफॉल इन इंडिया और एल नीनो मींस वेरी लेस रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है सदर तो इसी पूरे जो ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशन ऑफ विंड्स है, इसी को पूरे को टर्म दिया गया है सदर ऑसिलेशंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इंडियन ओशियन डायपोल, जो इंडियन ओशियन में डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट होता है वो इंडियन मानसून पे कैसे फर्क डालता है। इंडियन ओशियन डायपोल में क्या होता है ना कि जो इंडियन ओशियन है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन द ईस्ट इट इज नोन एज बे ऑफ बंगाल एंड इन द वेस्ट इट इज नोन एज अरेबियन सी।
तो वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में जो डिफरेंस इन इट्स टेम्परेचर होता है ना, उसको कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, मतलब डिफरेंस इन टू पोल्स ऑफ इंडियन ओशन। तो क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, एक होता है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है, जो वेस्टर्न पार्ट होता है इंडियन ओशन का, मतलब जो अरेबियन सी वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो वार्म हो जाता है, ठीक है। तो वार्म होने की वजह से लो प्रेशर डेवलप होता है वेस्टर्न पार्ट में, और ये क्या क्या करता है, ट्रेड विंड्स को और ज्यादा पुल करता है अपनी तरफ। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स नॉर्मल कंडीशन में बहती है और थोड़ा और ज्यादा ही उसको एक तरह से ड्रैग मिल जाता है ड्यू टू पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। फिर डिस्कस करते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में इसका रिवर्स हो जाता है, और क्या कहते हैं, यहाँ पे कोल्ड हो जाता है और यहाँ पे वार्म कंडीशन प्रिवेल करती है, ठीक है। तो वार्म कंडीशन प्रिवेल करने की वजह से जो ईस्टर्न कोस्ट होता है ना इंडिया का, ईस्टर्न कोस्ट उस पर ज्यादा रेनफॉल होती है और वेस्टर्न कोस्ट पे कम रेनफॉल होती है। और देखा जाए तो इंडोनेशिया वगैरह इन सब एरिया पे भी इसका इन विंड्स का फर्क पड़ता है, इस डाइपोल का फर्क पड़ता है। यहाँ पे इंडोनेशिया में उस पे क्या कहते हैं ज्यादा रेनफॉल वगैरह होगी, ज्यादा साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होंगी यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। तो बेसिकली ये होता है इंडियन ओशन डाइपोल। तो ये सारी थ्योरीज हैं जो कि मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून को डिस्क्राइब करती हैं, और होपफुली ये आपकी आंसर राइटिंग में भी आपको काम आएगा अगर आपको कोई भी एक थ्योरी पूछ ली जाए, ठीक है। और आजकल तो मतलब बहुत ही मॉडर्न थ्योरीज आ रही है, जेट स्ट्रीम्स के टर्म्स में आपको क्या कहते हैं वेदर डिस्क्राइब करने को मिल रहा है सारा का सारा। तो आजकल देखा जाए तो मॉडर्न थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।